भवाली से घोड़ाखाल मंदिर जाने वाले मार्ग इस कदर जीर्णशीर्ण अवस्था में है कि चालक की जरा सी भी चूक देव दर्शन नहीं बल्कि मौत के दर्शन करा सकती है। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध और आस्था के केंद्र नाय देवता के रूप में पूजने वाले गोलू देवता के दर्शन तमाम श्रद्धालु नैनीताल जिले के घोड़ाखाल पहुँचते हैं। इन श्रद्धालुओं में तमाम VIP और बड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं, मगर मजेदार बात यह है कि इन्हें कभी आम आदमी की परेशानी नहीं दिखती। हूटर बजाती गाड़ियां सीधा घोड़ाखाल मंदिर में खड़ी हो जाती है और VIP दर्शन कर वापस रवाना हो जाते हैं, मगर ये VIP उस सड़क से मंदिर पहुंचते हैं जो आम आदमी के लिए अब बंद कर दी गई है। ये सड़क है घोड़ाखाल स्थित शहीद सैनिक स्कूल के माध्यम से गुजरने वाली, जबकि इसके ठीक नीचे एक तरफ सड़क जो कि बंद मैप बनाई गई वो आम आदमी के लिए है और जिसकी हालत बेहद ख़राब है। 15 साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनवाई गई थी, पर अभी तक लोक निर्माण विभाग ने इसका आधिकारिक किया गया है और ना ही इसकी मरम्मत की जा रही है। कभी कभार पैच वर्क दिया जाता है। सर, रोड की हालत तो बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कई लोग, यहाँ पे अच्छे से अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं मंदिर में, मतलब एक विधायक से लेकर के, मतलब जितने बड़े से लेकर छोटे से हर कोई इस मंदिर में आता है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है, स्कूल में ब्रिगेडियर लोग आते हैं, सब कुछ आते हैं, इनका अपना पर्सनल रोड है, पर्सनल खोल लेते हैं ये लोग। तो ये इन लोगों को ग्रामीण से या किसी अदर पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। तो इस रोड की हालत, मतलब जो बड़े मंत्री आ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी रोड खुल जाती है, अलग से रोड खुल जाती है, अलग से सैनिक स्कूल की अलग से रोड खुल जाती है, पर जो मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको तो हर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और रोड की हालत बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। ममता जी से। सर, कई सालों से रोड आज तक बनी नहीं है और हमेशा जीर्ण शीर्ण होते जा रही है, और खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे गोलू देवता मंदिर पे, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन भी दिया था कि मैं अतिशीघ्र इसको कराऊंगा करके, तो आज तक अभी तक नहीं बनी है। और स्थानीय विधायक जी भी यहाँ पे रहते हैं, उनको भी कोई पता नहीं रहता इस बारे में, वो खुद इस रास्ते से आते हैं, सांसद खुद आते हैं,